SBS News, सच का साथी। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, उसके बावजूद राजधानी में अपराधियों का हौसला बढ़ता ही नजर आ रहा है। पिछले 10 दिनों में राजधानी में कई बड़ी वारदात हो चुकी हैं, जैसे कि अभी हुसैनगंज थाने क्षेत्र की बाबू बनारसी दास पार्ट के भाजपा पार्षद हर्षित दीक्षित पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला उनके आवास के सामने ही हुआ, जिसमें भाजपा पार्षद को गंभीर चोट आई। घटना के बाद पार्षद के समर्थन हुसैनगंज थाने का घेराव कर दिया। समर्थन का आरोप है कि थाने में हमले की सूचना देने के बाद भी थाना अध्यक्ष आनंद प्रकाश शुक्ला मौके पर नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर क्षेत्र की जनता और समर्थन में काफी आक्रोश देखने को मिला। नाम क्या है और कल ये घटना क्या हुई? पूरी घटना मेरा शोभित दीक्षित है, पार्षद हर्षित दीक्षित का भाई हूँ। कल रात में लमसम 1:15 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने हर्षित दीक्षित पार्षद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बीबीडी के है, उन पे हमला कर दिया। हमला करने पे जिनके सर पे गंभीर चोटें आई हैं और पसलियां टूट गई हैं और हाथ पे भी मोच है। तो ये को पुरानी रंजिश है या फिर अब इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी पता चला अज्ञात लोग थे, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाद उनका उपचार कराया गया, जिसमें सर पे उनके 60 टांके आए। तो अभी आप लोगों के यहाँ थाने पर घेराव किया, लोग इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रात में क्षेत्रीय पार्षद, जो कि इनके क्षेत्र के पार्षद हैं, वो यहाँ पे थे और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब रात को यहाँ नहीं आए। मौकाएं वारदात पे इंस्पेक्टर साहब नहीं आए थे, इसलिए हम लोग उनके सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? रात में घटना होती थी जिसमें पार्षद हर्षित दीक्षित के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें घायल हुए थे। उन्होंने FIR 307 में कराई थी। अभियुक्त को कल गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। उनका अभी उसी बात को लेकर के पार्षद तथा अन्य अधिवक्तागण यहाँ एकत्रित हुए थे, उनके रिमांड थे, थाना अध्यक्ष मौके में लिखे थे। इस बात को लेकर वो आकर्षित थे और उन्होंने मांग भी कह रहे थे कि हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए तथा जो थाना अध्यक्ष हैं उन्हें। इस संबंध में हमें वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता हुई है। वार्ता के उपरांत इन्हें हमारे कार्यालय से SP ईस्ट के कार्यालय से इन्हें अटैच कर दिया गया है और इसमें जाँच की जा रही है। जाँच पूरी होने तक ये वहाँ पर अटैच रहेंगे और जो यहाँ पर एडिशनल SHO प्रस्ताव जारी है तब तक की कार्यवाही देखेंगे। इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? एक आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए। सर प्रशासन की तरफ से अभी तक कितने मतलब इनकी जो मांग थी उस पर क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, मांग तो इनकी यही थी कि थाना अध्यक्ष के विरुद्ध निलंबन किया गया। नहीं नहीं, उनका ये था कि थाना अध्यक्ष के ऊपर से इन्हें आया, इस पर इन्हें हमारे कार्यालय से इन्हें अटैच कर दिया जाए। जो एडिशनल SHO हैं वो तब तक कार्यवाही जाँच पूरी होने की।